आज दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके से लोग हैरान रह गए। घरों में से और दफ्तरों में से उन्हें बाहर निकलना पड़ा क्योंकि ट्रेमर काफी ज्यादा था। ऐसे में आइए, इस वक्त हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट संजय प्रजापति मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि ये जो भूकंप के झटके थे वो किस तरीके के थे और कहाँ था इसका केंद्र। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज 24 पर। लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि आज जो भूकंप के झटके महसूस हुए वो काफी ज्यादा देर तक रहे हैं, लेकिन इसका जो केंद्र बिंदु रहा है वो नेपाल के आसपास रहा है। क्या था, कितना मैग्नीट्यूड था, कुछ हमारे इस जानकारी दें। धन्यवाद मैम। ये जो अर्थक्वेक जो जहाँ पर आज आए हैं वो एक्चुअली में इंडिया और यूरेशिया की कोलिजन बाउंड्री पर आए हैं। तो अगर आप ये अगर आप मैप की तरफ देखेंगे तो जो अर्थक्वेक आए हैं, अगर मैं पहले बताना चाहूँ कि ये जो अर्थक्वेक जो आए हैं उसके पहले ही 4.6 के एक अर्थक्वेक आ चुके थे, उसके बाद 6.2 के मेजर शॉक्स आए। ये रेड डॉट जो आप देख रहे हैं ये आज के झटके हैं जो आज के एपिसेंटर दिखा रहे हैं। तो अगर आप 6.2 मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक आया है जिसका जो केंद्र था वो वेस्टर्न नेपाल में था, जहां पहले भी नवंबर में, जनवरी में और फरवरी में भी 6.3 के अर्थक्वेक जिस दिल्ली एनसीआर और सराउंडिंग जो रीजन स्टेट्स हैं वहां भी फेल्ट हुए हैं। आज के अर्थक्वेक उसी ईपी सेंटर के पास ही हैं जो पहले प्रीवियस ईपी सेंटर थे 6.3 का अर्थक्वेक जो नवंबर में आया था, जिसका आज का जो केंद्र था वो अगर आप देखें तो 2981 में था, जो कि वेस्टर्न नेपाल है और वो हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट या पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उत्तरांचल में उत्तराखंड में पड़ता है उसके काफ़ी समीप है। वहाँ से बोले तो अराउंड 70 किलोमीटर हैं। ये डेप्थ बहुत सैलो था, जो आज के अर्थक्वेक थे वो बहुत ही सैलो डेप्थ, मतलब 5 to 6 किलोमीटर डेप्थ पर आए हैं अर्थक्वेक, जिसका समयानुसार 2:51 पर। इसके बाद जैसे बड़े अर्थक्वेक जब आते हैं तो उनका नेचर होता है कि जब वो जो फॉल्ट जिस फॉल्ट पर आते हैं, जैसे ये इसको हम लोग जो अपने जियो साइंटिफिक में नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट बोलते हैं, ये जो अर्थक्वेक जहाँ आया उसको नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट बोलते हैं, उस पर आए हैं, उसके उस पर केंद्रित थे और जिसका नेचर भी थ्रस्ट नेचर था, तो मतलब एक प्लेट ऊपर गई होगी दूसरी नीचे आई होगी। तो उस केंद्र पर जो अर्थक्वेक आए हैं उसका अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस अर्थक्वेक की अगर इंटेंसिटी देखें जो दिल्ली एनसीआर में फेल्ट हुए हैं, तो अगर आप इसकी इंटेंसिटी अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये इसकी स्ट्रांग जो उस केंद्र में है जो वेस्टर्न नेपाल में, अगर आप ये कलर देख रहे हैं जो येलो कलर का, ये उस केंद्र में था, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो स्लाइटली फेल्ट हुआ है जिसकी इंटेंसिटी जो मरकाली स्केल पर है वो 3 है। तो दिल्ली एनसीआर और बाकी जगहों पर भी, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और लखनऊ, ये सब रीजन में लेकिन सर जिस तरीके से बात आपने कही कि मैग्नीट्यूड 6.2 था, 6.2 मैग्नीट्यूड को एक हद तक स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड माना जाता है, जिस रीजन में हुआ वहाँ पर किस तरीके का नुकसान हो सकता है और जो ट्रेमर बाकी राज्यों में फील हुआ है भारत के, वहाँ पर किस तरीके की भारत के जो राज्यों में हुआ है वो तो केवल स्लाइटली फेल्ट हुआ है, मतलब जो शेकिंग जैसे दिल्ली एनसीआर में भी फेल्ट हुआ है, उस फील हुआ है तो लोग पैनिक हुए हैं और लोग बाहर आए, तो ऐसा जान माल का कोई नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। और हमारा अगर जो इंटेंसिटी जो कंप्यूटेड इंटेंसिटी वो बता रहा है कि वहाँ पर स्लाइटली फेल्ट हुआ है, जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं स्लाइटली फेल्ट। लेकिन अगर आप नियर बाय रीजन में आएंगे जहाँ पर नेपाल में जहाँ अर्थक्वेक आया है वहाँ पर स्ट्रांग फेल्ट हुआ है, तो हो सकता है कि अभी तक तो मीडिया कोई रिपोर्ट आया नहीं है कि वहाँ पर कोई जान माल, क्योंकि वो रीजन भी थोड़ा पहाड़ी रीजन है, थोड़ा अपर रीजन है, मतलब माउंटेनियस रीजन है, तो वहाँ पर हो सकते हैं कि स्ट्रांग है तो बिल्डिंग में क्रैक्स, दीवालों में क्रैक्स आए होंगे, इस तरह के ऐसे हालात उत्तराखंड में भी हो सकते हैं। उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड से 70 किलोमीटर, तो ऐसे हो सकते हैं, वहाँ पर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अगर इंटेंसिटी देखा जाए तो वहाँ पर इंटेंसिटी स्ट्रांग था। अच्छा संजय सर, जैसे आपने, लेकिन अगर मैम देखें, अगर फेल्ट रिपोर्ट देखें तो वहाँ की पब्लिक जो फेल्ट दी है, जैसे हमारे पास फेल्ट रिपोर्ट आ रहे हैं, अगर आप देखिए एक घंटे में हमारे जो है 70 to 80 लोग रिपोर्ट किए हैं जो हमारे ऐप है उसके थ्रू, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारा ईपी सेंटर था। और ये देखिए दिल्ली, उत्तराखंड, तो यहाँ पर इस रीजन में जो उत्तराखंड में एक बंदे ने रिपोर्ट किया बागेश्वर रीजन में, दिल्ली में काफ़ी लोग फेल्ट किए हैं दिल्ली में, और मैनपुरी, लखनऊ, आपका कानपुर, यहाँ जयपुर में भी फेल्ट हुआ है, आपका अम्बाला मतलब पंजाब में भी फेल्ट हुआ है, और देहरादून में भी लोग फेल्ट किए। तो ये जो फेल्ट रिपोर्ट आई उस हिसाब से देखा जाए तो लोग सेक फील किए हैं उस रीजन में, मैग्नीट्यूड बड़ा था और जाहिर तौर पर इसकी वजह से ये हालात दिख पा रहे। एक चीज समझना चाहूंगी सर, आपने कहा कि यूरेशियन लाइन है, इसको हमारे दर्शक, हाँ, ये दो प्लेट जो कोलाइड हो रहे हैं उनके बीच में थ्रस्टिंग जो हो रहा है, तो ये इंडियन मेजर थ्रस्ट बाउंड्री है, कोलिजन बाउंड्री है, तो ये जो है हाईली सेस्मिसिटी जोन। अगर आप यहाँ पर हमारे पास सेस्मिसिटी भी देखिए यहाँ पर इस रीजन के, अगर मैं आपको मतलब
तो देखिए इस रीजन में हमेशा अर्थक्वेक आते रहते हैं, क्योंकि सेस्मिक जोन है, सेस्मिक जोन है, हाईली सेस्मिक जोन है और कोलिजन बाउंड्री है। तो कोलिजन बाउंड्री में हमेशा एनर्जी स्ट्रेस होते हैं और बिल्ड होते हैं और रिलीज होते रहते हैं। बड़े अर्थक्वेक से पहले एक अर्थक्वेक नेपाल के आसपास पहले भी आया, फिर उसके बाद दो और आए, दो आफ्टर शॉक आए। अगर अब ये पूरा देखेंगे तो विद इन वन आवर तो 2:25 से लेकर एंड अबाउट 2:319 सो ऑलमोस्ट वन आवर में हमारे जो 4.6 के आए प्री शॉक्स, उसके बाद मेजर शॉक्स आए, उसके बाद दो आफ्टर शॉक्स आए। कंटिन्यूस हम लोग मॉनिटर किए जा रहे हैं, 24 आवर्स मॉनिटर चलते जा रहे हैं। सर एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी कि भूकंप के झटके बीते सालों में ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, क्या पृथ्वी के अंदर के परिवर्तन में कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिसके वजह से अभी तक जो जिस तरह से स्टडी हो रहा है, साइंटिफिक स्टडी हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है और बहुत से इंस्टीट्यूट जो स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ अभी तक तो गणना में ऐसा कुछ मिला नहीं है। लेकिन इस पर कंटिन्यूस और रह गया प्रिडिक्शन की बात है तो प्रिडिक्शन अभी पॉसिबल नहीं, उसके मैकेनिज्म कोई नहीं है। ये है कि हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग जो एनडीए में बार बार पब्लिक अवेयरनेस करती रहती है और बताती रहती कि हमें स्ट्रिक्टली उनके गाइडलाइन को फॉलो करना चाहती हूँ, कैसे कैसे बनाना चाहिए, ये चीज़ हमें ज़्यादा। सही सर, अभी जैसे आपने समझाया मुझे लगता है बीते वर्षों में सिस्मोलॉजी भारत का जो डिपार्टमेंट है वो और ज़्यादा एक तरीके सटीक हो गया है और जिस तरीके से आप लोग बहुत जल्दी ही इसको ले लेते हैं, पकड़ते हैं कि कैसे कहाँ अर्थक्वेक और किस मैग्नीट्यूड का हुआ है, इससे कितना हेल्प मिलेगा साइंटिस्ट को। एक्चुअली में इमीडिएटली ये जितनी जल्दी हम लोग डिटेक्ट करेंगे, जितने डिसमिट करें उतनी जल्दी हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं कहाँ है, कि पब्लिक को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमारे जो नेटवर्क हम लोग जो बढ़ा रहे हैं डिसमिनेशन टाइम कम करने के लिए, छोटे छोटे अर्थक्वेक को भी रिकॉर्ड कर सके, इसलिए हम लोग जो हमारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है वो इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है और हमारे जो मंत्रालय के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क लगाया जाए और जल्द से जल्द उसको डिसमिनेट किया जाए और पब्लिक को अवेयर करें। सवाल पूछूंगी, चूंकि दिल्ली भी सेस्मिक जोन में है और बहुत ज़्यादा प्रोन है, ऐसे में इस तरीके के मैग्नीट्यूड का भूकंप आना और अगर वो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अगर उसका डेप्थ होता है वहाँ पर, उसको हम कहते हैं कि वहाँ रिक्टर स्केल पर नापा गया, तो दिल्ली को कितना खतरा हो सकता है अगर दिल्ली में अर्थक्वेक आया तो। लेकिन ऐसे अभी जो पास्ट रिकॉर्ड है उसमें तो ऐसा मतलब पता नहीं है कि इतने बड़े अर्थक्वेक आए हैं कि नहीं, लेकिन छोटे अर्थक्वेक दिल्ली में ट्रेमर जैसे, क्योंकि आप देखेंगे जैसे सेस्मोजन आपका 4 में आता है, दिल्ली रीजन 4 में आते हैं, तो 4 रीजन में जो हम लोग अभी पास्ट में बहुत से अर्थक्वेक आए हैं, जैसे अभी देखिए सोनीपत में 2.7 के आए हैं, तो उसमें छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई मेजर बाउंड्री नहीं है कि जिस पर बड़े अर्थक्वेक आ सकें। जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो तमाम जानकारी दी इन्होंने कि किस तरीके से भूकंप आया, कहाँ इसका एपी सेंटर था और जो मैग्नीट्यूड था वो किस तरीके का था, आफ्टर शॉक किस तरीके का है। पृथ्वी के अंदर इस तरीके की जो हलचल वो लगातार होती रहती है, कई बार इस तरीके के असर होते हैं कि भूकंप का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है और उसका जो खामियाजा है इलाके के लोग वो झेलना पड़ता है, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। कैमरा पर्सन कमाल हैदर जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली News 24।